गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कल की स्मैकडाउन में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स WHG। तो गाइस आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है क्योंकि इसके अंदर दोस्तों हम बात करेंगे स्मैकडाउन के प्रीव्यू के साथ साथ दिन की 3 से 4 बड़ी खबरों की। कल है दोस्तों 20 मार्च और हम लोगों को देखने को मिलने वाली है स्मैकडाउन, जो कि सुबह दोस्तों आपको देखने को मिलेगी सोनी नेटवर्क के ऊपर। इस बार की स्मैकडाउन दोस्तों थोड़ी सी डिफरेंट और थोड़ी सी ज्यादा धांसू रहेगी क्योंकि ये फास्ट लेन से पहले का आखिरी शो है, या फिर दोस्तों आप कह लीजिए यह आखिरी मौका रहेगा कि सुपरस्टार्स अपना दमखम दिखा सके इस बड़े पीपीवी से पहले। सबसे पहली चीज जो कि कल की स्मैकडाउन में आप लोगों को शुरुआत में देखने को मिलेगी वो रहेगी दोस्तों द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की एंट्री। तो रोमन रेंस कल फिर से स्मैकडाउन का किक ऑफ करेंगे, जहां अपनी एंट्री पर वो एक प्रोमो काटने वाले हैं। इस प्रोमो के अंदर दोस्तों वो बात करेंगे डेनियल ब्रायन की, जो कि उनके फास्ट लेन के ओपोनेंट ऑब्वियसली, और उसके बाद दोस्तों वो बात करेंगे कल के स्मैकडाउन के उस मैच की जो कि मेन इवेंट में रखा जाएगा। यहां दोस्तों वो ये चीज कहने वाले हैं कि जे उसो आज का मैच जीतेगा और एज ए स्पेशल इन्फोर्सर उतरेगा फास्ट लेन में मेरे साथ। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ होगा, तो इसके बाद जो अगली चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी वो है दोस्तों 100% कंफर्म्ड मैच जो कि होने जा रहा है साशा बैंक्स और नाया जैक्स के मध्य। तो गाइस ये मैच होने वाला है स्मैकडाउन वुमन चैंपियनशिप के लिए। आप जानते हैं दोस्तों साशा बैंक्स जो है वो बियांका ब्लेयर के साथ फाइट देने वाली है इस बार की रेसलमेनिया में। हालांकि अगर यहां नाया जैक्स जीत जाती है सिचुएशन बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, बट मुझे क्या लगता है कि इसके अंदर साशा बैंक्स ही विजय रहने वाली है। साथ ही साथ इसके अंदर साशा की फ्रेंड और नाया की फ्रेंड आपको रिंग साइड पर जरूर दिखाई देगी। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिलने वाला है, तो गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग हम लोगों को देखने को मिलेगी वो रहेगा दोस्तों बिगी लैंगस्टन का हमला अपोलो क्रूज के ऊपर। तो बिगी लैंगस्टन के ऊपर दोस्तों लास्ट वीक फिर से हमला हुआ। बिगी ने दोस्तों सेमी जेन को तो हराया, लेकिन उसके बाद दोस्तों वो फिर से पिट गए। अपोलो ने पीछे से आकर उन्हें पीट दिया, स्टील स्टैप मारा है। यहां दोस्तों बिगी अपना बदला जरूर लेना चाहेंगे और एक बड़ी स्टेटमेंट देना चाहेंगे अपोलो के खिलाफ। अपोलो उन्हें 2 बारी स्क्रू कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि बिगी उन्हें 3रा मौका देने वाला, और यहां इन दोनों के मध्य हमें तगड़े वाली भसड़ देखने को मिल सकती है। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ होने वाला है, तो इसके बाद नेक्स्ट थिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी वो रहेगा एक फनी बैकस्टेज सेगमेंट, जहां दोस्तों हमें सेमी जेन एंड किंग कॉर्बिन एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। काफी समय से दोस्तों इनकी टैग टीम को टीज किया जा रहा है, लेकिन टीम इनकी बनती ही नहीं है। कल हमें इनकी तरफ से फिर से एक फनी सेगमेंट देखने को मिलेगा, जहां दोस्तों किंग कॉर्बिन जो है वो धुतकारेंगे सेमी जेन को। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ होने वाला है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी वो रहेगी दोस्तों प्रोबेबली एक नॉन टाइटल मैच जो कि रखा जा सकता है स्ट्रीट प्रॉफिट्स और अपने डर्टी डॉग्स के मध्य। डॉल्फ एंड रूड को दोस्तों लास्ट वीक स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने इनडायरेक्ट वे में हराया था। जहां दोस्तों बात की जाए इस हफ्ते की, तो इनका एक नॉन टाइटल मैच रखा जा सकता है जो कि दोस्तों एक तरीके का फिलर रहेगा। बात की जाए इसके बाद सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग में क्या होने वाला है, तो गाइस वहां हमें देखने को मिल सकता है सिजारो का कॉल्ड आउट सेथ रॉलिंस को। तो दोस्तों लास्ट वीक जो हमारे सेथ रॉलिंस है उन्होंने बहुत तगड़ा हमला बोला सिजारो के ऊपर, वो सिजारो की गर्दन तोड़ना चाहते थे, लेकिन भला हो ऑफिशियल्स का जो कि आकर रुके वहां सेथ को। यहां दोस्तों सिजारो गुस्से में तमतमाए कॉल्ड आउट करने वाले हैं सेथ रॉलिंस को, लेकिन दोस्तों सेथ रॉलिंस शायद वहां ना आए और रैंप के ऊपर से ही उनका जवाब देकर चले जाए। बात की जाए दोस्तों अब मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि कल की स्मैकडाउन का रहने वाला है, जो कि 101% कंफर्म्ड है, वो है दोस्तों एज वर्सेस जे उसो। तो रेटेड आर सुपरस्टार जो कि दोस्तों बेहद कम फाइट्स देते हैं, वो दोस्तों अब आने वाले हैं स्मैकडाउन के अंदर और देने वाले हैं एक बड़ा मैच। कल की स्मैकडाउन के अंदर ये मैच हमें फाइनल में देखने को मिलेगा, यानी कि दोस्तों मेन इवेंट में देखने को मिलेगा। यहाँ दोस्तों जो स्टिपुलेशन रखी गई है वो काफी इंटरेस्टिंग है। स्टिपुलेशन यह है दोस्तों कि अगर एज जीत जाते हैं तो वो स्पेशल इन्फोर्सर बनेंगे, अगर जे जीत जाते हैं तो वो स्पेशल इन्फोर्सर बनेंगे। इन्फोर्सर माना दोस्तों रिंग साइड पर उन्हें चेयर दी जाएगी एक स्पेशल। बात की जाए कौन फास्ट लेन में इन्फोर्सर बनेगा, मुझे क्या लगता है, तो गाइज एज कल का ये मैच जीतेंगे, लेकिन इसके बाद आपको एक बड़ा एंगल देखने को मिल सकता है। इसके ठीक बाद आपको ये चीज देखने को मिल सकती है कि रोमन रेंस आकर हमला बोले
एज के ऊपर एज की पिटाई करना स्टार्ट कर दे, और उसके बाद डेनियल ब्रायन आकर सबसे पहले तो रोमन रेंस को पीटे, लेकिन इसी बीच एज ने आकर उन्हें पीछे से स्पीयर मार देना है। इस थिंग के चांसेस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि लास्ट वीक डेनियल ने ऐसा किया था, इस हफ्ते एज अपना बदला जरूर लेंगे। तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है कल की स्मैकडाउन में, देखते हैं दोस्तों क्या कुछ होता है। आखिरी शो है फास्ट लेन से पहले का, चलते हैं आज की अपनी खबरों के ऊपर। तो गाइस सबसे पहली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों अंद्रादे सियान अल्मस से। तो गाइस अंद्रादे सियान अल्मस के ऊपर काफी बड़े बड़े अपडेट्स निकल कर सामने आ रहे हैं। आज से ठीक 3 से 4 दिन पहले दोस्तों एक अपडेट आई थी जिसके अंदर बताया जा रहा था कि अंद्रादे सियान अल्मस ने WWE से मांग की है कि WWE उनका पीछा छोड़ दे, यानी कि वो रिलीज ग्रांट किए हैं। बट गाइज उसके बाद अपडेट यह आती है कि अंद्रादे को ये चीज़ नहीं दी गई, उन्हें ग्रांट नहीं की गई रिलीज, ये चीज़ कहते हुए कि अभी उनके कॉन्ट्रैक्ट में कई दिन बाकी है। बट क्या ये रूमर्स ट्रू थे, इसके ऊपर दोस्तों ब्रांड न्यू अपडेट आ रखा है जो कि दोस्तों 101% कन्फर्म्ड है। तो गाइज अंद्रादे सियान अल्मस ने आज ट्विटर पकड़ा, ये चीज़ लिखी है कि हाँ ये सारे रूमर्स ट्रू है, मैं नहीं जानता कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, लेकिन भाई मेरे भी तो सपने हैं। तो यहाँ दोस्तों अंद्रादे ने साफ कर दिया है कि WWE को छोड़ना चाहते हैं, WWE से उन्होंने रिलीज मांगी थी लेकिन WWE वालों ने ग्रांट नहीं की, सारे के सारे रूमर्स ट्रू है। और गाइज अगर ऐसा है तो मुझे नहीं लगता कि साल 2021 में अंद्रादे WWE के साथ रहेंगे, ये दोस्तों आखिरी साल रहने वाला है जब अंद्रादे हमें WWE के अंदर दिखाई दे, वो भी दोस्तों 100% कन्फर्म नहीं है कि WWE उन्हें फिर से टेलीविजन के ऊपर लाएगी कि नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है जो रेसलर्स ऐसा कुछ करते हैं पब्लिक में आकर दोस्तों ये चीज़ बताते हैं कि WWE से ना खुश है, WWE फिर उन्हें बुक ही नहीं करती। पर अंद्रादे जो है वो शाओलिन के सो कॉल्ड फियांसे हैं, लेकिन स्टिल WWE उनके साथ ऐसा कर रही है, तो आप समझ सकते हैं WWE किसी की नहीं सुनता, विंस मैकमैन किसी की नहीं सुनता। हम चलते हैं इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। तो भाई इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों ड्रामा बुल द रॉक से। तो गाइस द रॉक आ चुका है अंडरटेकर के ऊपर रिएक्शन। तो आज से कई महीने पहले दोस्तों अंडरटेकर ने एक ऐसी चीज़ कह दी थी जो कि काफ़ी फनी होने के साथ साथ काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल भी थी। अंडरटेकर ने एक इंटरव्यू में चीज़ कही थी कि देखो जो द रॉक है वो सी लिस्टर है, यानी कि थर्ड ग्रेड का एक्टर है। उन्होंने बेसिकली ये चीज़ कही थी कि देखो मैं नहीं जानता कि मुझे WWE से बाहर जाकर पैसा कमाना चाहिए था कि नहीं, क्योंकि मैं WWE के अंदर अच्छा कर रहा था। द रॉक की बात की जाए, मुझे नहीं पता कि उसका काम बढ़िया चल रहा है कि नहीं, वो बढ़िया कर रहा है कि नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से वो सी लिस्टर सुपरस्टार है। यहाँ दोस्तों उन्होंने मजाक में सब चीज़ें कही थी, द रॉक का इस पर रिएक्शन आया। द रॉक ने ये चीज़ कही कि इसीलिए मैं अपने बड़े भाई को प्यार करता हूँ, वो हमेशा मेरी टांग खींचते रहते हैं, वो एक ग्रेट रेसलर है और रिंग के अंदर वो एब्सोल्युटली बीस्ट हो जाते हैं, और मैंने उनसे काफ़ी ज़्यादा पिटाई भी खाई है और मैं उनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। इसलिए यहाँ दोस्तों उन्होंने काफ़ी बड़ा शाउट आउट दिया अंडरटेकर को। अंडरटेकर ने हालांकि उनकी काफ़ी तगड़ी बेइज्जती की थी, लेकिन आप समझ सकते हैं दोनों भाइयों में काफ़ी ज़्यादा प्यार है। हम चलते हैं आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज़ के ऊपर। तो भाई सेकंड लास्ट न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़े दोस्तों अलेक्सा ब्लेस वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बैटिंग ऑर्ड से। तो गाइस ऑर्ड्स हमारे सामने आ चुके हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑड्स आए हैं, इसे दोस्तों हम एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अंदर एक ऑड ऐसा है, एक रिजल्ट कुछ ऐसा निकल कर आ रहा है जो कि आपके होश फाख्ता कर देगा। रैंडी ऑर्टन अपना मैच हार रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, रैंडी ऑर्टन के ऑड्स कम चल रहे हैं। आप देख सकते हैं माइनस में 200 अलेक्सा है, प्लस में है 200 ऑर्टन, माइनस में 200 ऑर्ड ज़्यादा होते हैं। अब आप पूछेंगे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अब जब मैंने सवाल पैदा कर दिया है मन में, तो गाइज इसका मैं आपको जवाब भी दे देता हूँ। दरअसल गाइज आज केज साइड सीट्स वालों ने कंफर्म कर दिया है कि WWE पूरी प्लानिंग कर चुकी है कि फीड को वापस लाना है। इस बारी का फास्ट लेन दोस्तों कोई आम फास्ट लेन नहीं होगा, ये काफ़ी मेमोरेबल होगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ आपको फीड दिखाई देने वाले एक लंबे समय के बाद, जहाँ वो रैंडी ऑर्टन के ऊपर हमला बोलने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है तो गाइज ऑर्ड्स भी सत्य साबित हो जाएंगे इवेंचुअली, क्योंकि गाइज इससे पहले हमने कई बार देखा है कि कभी रैंडी ने तो कभी अलेक्सा ब्लिस ने एक दूसरे को स्क्रू किया हो, रैंडी ने RKO भी मारा है, वहीं दोस्तों अलेक्सा ब्लिस ने तो बहुत कुछ किया है। यहाँ दोस्तों अगर रैंडी हार जाते हैं तो गाइज इनकी राइवलरी और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाएगी और रेसलमेनिया का मैच दोस्तों काफ़ी ज़्यादा देखने योग्य भी होगा। तो फिंड लौटने वाले आज की सबसे बड़ी खबर थी यही दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। वेल आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब खैर।